आज हम आपको भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के बारे में बताने वाले हैं। इस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रसव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत में हर वर्ष कई महिलाओं की जान प्रसव के दौरान चली जाती है। ऐसे में इस योजना का उद्देश्य प्रसव के दौरान होने वाली महिलाओं की मृत्यु के आंकड़ों को कम करना है। देश में ऐसी महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में प्रसव के दौरान आने वाले अतिरिक्त खर्चों को वो या उनका परिवार वहन नहीं कर पाता। महिलाओं की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी वीडियो में आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी खास बातों के बारे में। जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं प्रसव के दौरान अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकेंगी। ऐसे में वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं उन्हें इस योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को प्रसव के दौरान 1400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा आशा को 600 रुपये दिए जाते हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को डिलीवरी होने के बाद 1000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा आशा को 400 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना का लाभ केवल वही महिलाएँ उठा सकती हैं जिनकी उम्र 19 या उससे अधिक है। योजना के अंतर्गत एक महिला केवल 2 बार ही बच्चों को जन्म के समय सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकती है। अगर आप भी जननी सुरक्षा योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, BPL राशन कार्ड, फ़ोन नंबर, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, जननी सुरक्षा कार्ड, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया डिलीवरी सर्टिफिकेट आदि दस्तावेज़ों का होना ज़रूरी है। आशा करती हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।